सो गाइस, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना फनल लैंडिंग पेज या कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम बिल्डरल। तो गाइस, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को जरूरत पड़ रही है फनल लैंडिंग पेज एंड ऑटोमेशन की, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं लेके आया हूँ। एक चीज मैं बता दूं, देखो मैं आपको फनल का एक एग्जांपल दूंगा कि आप इस फनल को कॉपी कर सकते हो, बट मैं आपको बोलूंगा कि आप अपना क्रिएटिविटी लेवल यूज करो, बिकॉज हर आदमी की अलग सोच होती है और वो अपनी सोच से काफी अच्छा और बेटर बना सकता है चीजों को। तो मैं हमेशा ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने दिमाग का यूज करो कि लोग कैसे सोचते हैं, लोग कैसे आपके फनल में आए और कैसे वो सेल्स को बिल्ड करें। तो मैं यहाँ आपको एक फनल का उदाहरण भी दूंगा और आपको फनल बनाना सिखाऊंगा, तो आप भी वैसा ही फनल बना पाएंगे। कैसे, क्या, सब इस वीडियो में पता चलेगा। तो सबसे पहले आप लॉगिन करते हैं, तो यहाँ बिल्डर में आ जाते हैं। बिल्डर के बाद आपको यहाँ इंस्टॉल मोर टूल्स का ऑप्शन दिखता है, तो आप उस पर मैं क्लिक करके आपको दिखाना चाहूंगा, बिकॉज जब आप ओपन करेंगे तो आपको वैसा ही कुछ नजर आएगा, बिकॉज आपने कोई टूल इंस्टॉल अभी नहीं किया होगा, हो सकता है। सो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, मेरे सब टूल इंस्टॉल्ड दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और एक आठ टूल मैं आपको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ कि आपको भी समझ में आ जाए कि क्या करना है। तो आप किसी भी टूल को यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, लाइक मेरा मैं कौन सा इंस्टॉल करूँ, तो मैं ई लर्निंग को इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो आपको बस क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आ जाएगा, ऐड पे क्लिक कर दोगे तो ये आपके होम पेज पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो अब ये देखो बोल रहा है गो टू डैशबोर्ड, गो टू डैशबोर्ड पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये वहां पर पहुंच जाएगा मेरे होम पेज पे, ठीक है। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देखो ये पहुंच गया है होम पेज पे, ये प्रोसेसिंग हो रहा है एंड ये यहाँ पर आ गया है ई लर्निंग, ठीक है। ऐसे ही करके मैंने ये सारे टूल्स को ऐड किया है। सो आपको कौन सा टूल ऐड करना है, आपको ऐड करना है पिक्सल परफेक्ट बिल्डर, बस इसको आपको ऐड करना है, जिसमें आपको मैं बनाना सिखाऊंगा, बाकी भी आप ऐड कर सकते हो। और देखो यहाँ पर ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग पे जब आप क्लिक करोगे तो हर चीज की ट्यूटोरियल आपको मिलेगी, इवन आप जिस टूल पे क्लिक करोगे उसकी भी ट्यूटोरियल आपको मिलेगी। लाइक इस पे अभी मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो ट्यूटोरियल, अगर इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे पूरा बताएगा कि मैं इसको कैसे यूज कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो अगर आपको और भी टूल्स के बारे में सीखना है तो जस्ट उस पर क्लिक करो और ट्यूटोरियल पे क्लिक करो, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोग बनाने वाले हैं लैंडिंग पेज और फनल्स, तो ये आपको बताने वाला हूँ मैं यहाँ पर। तो ये बनता है पिक्सल परफेक्ट बिल्डर में, तो आपको यहाँ पर एंटर लेना है, एंटर पे क्लिक करना है। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ मेरे फनल और सॉरी फनल एंड लैंडिंग पेजेस कुछ पहले से ही हैं, बट यहाँ आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएगा माई साइट का, न्यू वेबसाइट का और ट्यूटोरियल्स का। ट्यूटोरियल जैसे कि मैंने बताया, हर चीज के लिए, हर छोटे मोटे स्टेप के लिए यहाँ पर ट्यूटोरियल अवेलेबल है। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, न्यू वेबसाइट्स पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे, मतलब 100-200 के आसपास फुल बिल्ड वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, लैंडिंग पेजेस, फनल्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, ठीक है। बस आपको इस पे एडिट पे क्लिक करना और एडिट करना है। सो हम यहाँ पर सेल्स फनल बनाने वाले हैं, तो मैं सेल्स फनल के इस तरफ जाऊंगा और सेल्स फनल पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर आपको हर बिजनेस का मिल जाएगा, आपको कोई भी बिजनेस है आप वैसा लैंडिंग पेज बना सकते हो और आप इससे कुछ भी टूल प्रमोट कर सकते हो, इवन आप अपना लोकल बिजनेस का भी इसमें वेबसाइट बना सकते हो, तो बहुत ज्यादा ईजी है। बट यहाँ आपको आज मैं फनल बनाना सिखाऊंगा, बनाना सिखाने जा रहा हूँ। वहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कैसे काम करना है। तो सबसे पहले एक अच्छा सा फनल यहाँ से मैं ढूंढ लेता हूँ जो मैं आपको एग्जैक्टली बताना चाहता हूँ। तो मैं एक फनल ढूंढ रहा हूँ, जस्ट उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो लेट मी चेक, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि घड़ी की वेबसाइट है, हर तरह का आप वेबसाइट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो गाइज, जितना ज्यादा समय दोगे उतना ज्यादा सीखोगे इस टूल को। ओके, जितना ज्यादा समय उतना ज्यादा सीखोगे इस टूल को। गाइस, मैंने ये वाला फनल को सिलेक्ट कर लिया है, लीड मैग्नेट फनल इसका नाम है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। और गाइस आपको मैं बता दूं, आप इसमें लैंडिंग पेज एंड ऑल कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ देखो हर चीज का ऑप्शन है, जस्ट आपको क्लिक करना है और एडिट पे क्लिक करना है। जैसे एडिट पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का खुल जाएगा और आप इसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। सो मैं आपको उदाहरण दूंगा इस लैंडिंग पेज का जो मैंने बनाया है, मैं आपको नहीं बोलूंगा कि सेम आप कॉपी करो, बट आप इसको कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के लिए आपको बस यही करना है कि इस पे क्लिक करना है एंड कॉपी करना है, क्लिक करना है, जैसे आप सिंपल कॉपी करते हो फेसबुक में या कहीं पर भी, कॉपी करना है और पेस्ट करना है। तो गाइस कैसे
एडिट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, और हो सके तो आप अपना दिमाग लगाओ कि आप क्या चीज़ ऊपर दिखाना चाहते हो, क्या चीज़ नीचे दिखाना चाहते हो और क्या चीज़ सबसे नीचे दिखाना चाहते हो, कौन सा कॉल टू एक्शन डालना चाहते हो, ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दूंगा और आप अपनी क्रिएटिविटी से बना सकते हो या आप इसको कॉपी कर सकते हो। अगर कॉपी करोगे तो इट्स सो ईजी, बट क्रिएटिविटी लगाओगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा खासा रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में लॉन्ग टर्म गेम खेलना चाहते हो, एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हो, तो ये सब आप इनिशियल लेवल पे सीखोगे तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। सो यहाँ पर जैसे मैंने एडिट पे क्लिक किया तो यहाँ आ गया। लाइक मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि कॉपी करने के लिए यहाँ पर मुझे क्लिक करना है, ठीक है। लाइक गाइस आपको कॉपी ऐसे करना है कि आपको बस ऐसा सिंपल जैसे आप कॉपी करते हो अपने हर जगह, वैसा ही इसको भी कॉपी करना है, और कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसको एडिट करना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ब्यूडरल जो टूल है बहुत ज्यादा सिंपल है, आप कोई भी लैंडिंग पेजेस एंड ऑल इससे बना सकते हो। तो जस्ट आपको ऐसे कॉपी करना है सिंपल, और गाइज यहाँ पर यूज करना है कंट्रोल प्लस सी। यहाँ पर राइट हैंड वाला कभी भी काम नहीं करता है बिकॉज ये फनल्स है, तो आपको कंट्रोल प्लस सी का ही यूज करना है ज्यादातर। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आके दो बार क्लिक करना है एंड यहाँ पर आ जाएगा पॉइंटर, एंड पॉइंटर से आपको पूरा ऐसे सिलेक्ट करना है एंड कंट्रोल प्लस वी, जस्ट हो गया गाइज। देखो ये हो गया कॉपी। ऐसे करके आप भी कोई भी हेडलाइन डाल सकते हो, डिलीट करना है, जैसे यहाँ पर आपको लोगो नहीं लगाना है कोई सा भी, आप हो सके तो आप अपना टीम लॉयन का लोगो लगा सकते हो, ठीक है। अगर नहीं लगाना है तो बस राइट का क्लिक करके ये डिलीट के ऑप्शन पे डिलीट, ठीक है। सो इसमें जो जो मेन चीज है मैं वो आपको बता देता हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजेबल है। सो वो चीज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि गाइज यहाँ बहुत सारी चीजें यूज हुई है, लाइक ये बटन और ये फोटोज, ठीक है। तो ये फोटोज और बटन का बताना बहुत जरूरी है आपको, और ये जो लिखा गया वो चीज मतलब टेक्स्ट, ये सब का आपको बताना बहुत जरूरी है। तो वो सारी चीजें मैं बता देता हूँ। देखो टेक्स्ट कैसे आता है, यहाँ पर प्लस के पे बटन पे क्लिक करो और टेक्स्ट पे क्लिक करो, टेक्स्ट पे क्लिक करोगे और ये आपको पूरा टेक्स्ट मिल जाएगा। इस पे क्लिक करो और यहाँ पर फिर डबल क्लिक करो एंड एडिट, सिंपल जैसे आप वर्ड आर्ट चलाते हो सो उसी के जैसे सेम है, ठीक है। अब यहाँ कुछ भी आप टाइप करो जो आपको टाइप करना है, तो ऐसे करके आप वर्ड्स ला सकते हो। सेकंड जो है आपको ये मैं बता दूं, जो बटन सबसे ज्यादा यूज होता है, तो यहाँ बटन का एक ऑप्शन है, बटन पे जैसे क्लिक करोगे तो ये सारे बटन आपके सामने खुल जाएंगे। लाइक मैं ये बटन को चूज करता हूँ तो इस पर बस क्लिक कर देना है, तो ये बटन यहाँ पर आ गया। देन आपको क्या करना है, इस बटन पे अगर आपको लिंक सेट करनी है, ठीक है, बाय नाउ के बटन पे जैसे कि आप बिल्डर का लिंक लगाओगे तो उस पर सेट करनी है, तो क्या करोगे, डबल क्लिक करो, सॉरी राइट वाला क्लिक करो, देन एक्शन पे क्लिक करो, और एक्शन पे क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट पे क्लिक करो। वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका लिंक है यहाँ पर कंट्रोल प्लस वी करके बस पेस्ट कर दो, बस हो गया। देखो आपका लिंक पेस्ट हो गया, मैंने ये कॉपी किया होता तो ये पेस्ट हो गया, बट उसके बाद बस ओके का बटन दबा दो। जैसे ओके का बटन दबाओगे तो वो हो जाएगा बस। फिर उसके बाद जब भी कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा आपके बिल्डर पे, ठीक है। तो बटन का यूज बता दिया, अब मैं बता देता हूँ आपको ये इमेज का यूज। देखो इमेज तो एक यहाँ पर है, इसको आप कॉपी भी कर सकते हो इस पर क्लिक करके, ये जो बटन है कॉपी का, इस पर कॉपी डुप्लीकेट एलिमेंट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो कॉपी हो जाएगा। बट अगर आपके पास ये है ही नहीं आपके फनल में, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस पर प्लस पे क्लिक करके ये जो इमेजेस है इस पर क्लिक करो एंड यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। जस्ट आप इस इमेज पे क्लिक करो एंड ये इमेज यहाँ पर आ जाएगी। अब इसको क्या करना है, इस पर फोटो को चेंज करना है, तो राइट क्लिक करो एंड चेंज इमेज पे क्लिक करो, एंड देन आपको खुलेगा ये चीज जो खुल रहा है, खुलेगा ये। अब मान लो आपको यहाँ पर Amazon का लोगो लगाना है, तो Amazon को सिलेक्ट करो और कंफर्म में क्लिक कर दो। ऐसे ही करके अगर आपको कुछ अपने कंप्यूटर से लेना है तो अपलोड पे क्लिक करो, यहाँ पर आ जाएगी आपकी फोटो, ठीक है। और यहाँ पर खुद का इनका इमेज कलेक्शन है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, आइकन सिलेक्शन है वो भी यूज कर सकते हो, GIF यूज कर सकते हो, बटन यूज कर सकते हो जो नेक्स्ट लेवल के हैं। हर चीज इसमें नेक्स्ट लेवल की, जितना एक्सप्लोर करोगे उतना ज्यादा सीखोगे फनल बनाना, ओके। बिकॉज मैं यहाँ पर चाहूँ तो आपको किसी एक चीज में अटका सकता हूँ, बट मुझे अटकाना नहीं है कि आप सिर्फ कॉपी करना सीखो। मैं चाहता हूँ कि आप रियल लर्निंग सीखो। जब रियल लर्निंग सीखोगे तो आप एफिलिएट मार्केटिंग को और आगे ले जा पाओगे। अगर कॉपी करोगे तो बस यहीं स्टक हो जाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप रियल लर्निंग सीखो, इसलिए मैं आपको इतनी सारी चीजें बता रहा हूँ, ओके। वरना मैं बस कॉपी करना बता देता। अब यहाँ पर आपके पास सोशल लोगोज हैं जिनका आप यूज कर सकते हो, ठीक है, एज अ इमेज में। इमेज पे जैसे क्लिक करोगे फिर उसमें लिंक भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ ये वाला लोगो, तो ये इस पे क्लिक करके मैं कंफर्म पे क्लिक कर दे रहा हूं, तो ये देखो ये आ गया मेरा लोगो।
सो गाइस ये आ गया मेरा लोगो। ऐसे करके आप इसमें लिंक भी फिट कर सकते हो, राइट बस आपको राइट क्लिक करना है, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद एक्शन, एक्शन पे क्लिक करके वेबसाइट, बस वहां पर अपना लिंक पेस्ट करो और ओके करो। जैसे जो भी इस पे क्लिक करेगा वो सीधा रिडायरेक्ट हो जाएगा जो भी लिंक आप दिए रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इमेज का यूज करना बता दिया, बटन का यूज करना बता दिया, अब जो इस फनल में ज्यादातर यूज हुआ है टेक्स्ट भी बता दिया, अब जो ज्यादातर यूज हुआ है दैट इज कॉल्ड कलर, ठीक है। कलर अलग अलग जो कलर आपको दिख रहे हैं सो उसका भी यूज करना मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस आपको कुछ बहुत बड़ा काम नहीं करना है, जस्ट आपको इस पे क्लिक करना है। जहां पर भी आपको कलर चाहिए, लाइक मुझे बैकग्राउंड में चाहिए तो बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद अपीयरेंस पे क्लिक करना है। अपीयरेंस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको देखो हर तरह की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है आपके लिए, जो कलर यूज करना है उस प्रकार का कलर आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। राइट मैं यहाँ पर यूज करना चाहता हूँ येलो, सो येलो को ओके एंड ओके। सो गाइस इतना ज्यादा इजी, देखो एक मिनट में मैंने एक अमेजोन के लिए, एक मिनट में गाइस देखो मैंने एक अमेजोन के लिए एक तरह का लैंडिंग पेज आप बोल सकते हो मैंने तैयार कर दिया। लाइक यहाँ पर मैं ये रख देता हूँ यहाँ अमेजोन और यहाँ कोई प्रोडक्ट लगा देता हूँ, लाइक इसको मैं कर देता हूँ कॉपी और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ये प्रोडक्ट। ओके कौन सा प्रोडक्ट, अपने पास एक ट्रिमर का मैंने डाला था तो ट्रिमर का एक लगा देता हूँ यहाँ पर। सो ये आ गया आपका ट्रिमर। सो यहाँ पर हम लोगों ने एक अमेजोन का सेलिंग फनल बना दिया बैठे बैठे। सो गाइज ये ऐसे करके आप बना सकते हो, बंदा कोई भी आएगा बाय नाउ पे क्लिक करेगा रीडायरेक्ट हो जाएगा आपके लिंक पे और ऐसे करके आप कोई भी फनल तैयार कर सकते हो जो बहुत ज्यादा ईजी है। तो मैंने बटन का यूज बता दिया, मैंने इमेज का यूज बता दिया, मैंने टेक्स्ट का यूज बता दिया। अब आप चाहो तो इस फनल को कॉपी कर सकते हो और चाहो तो आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो अपने माइंड का यूज और अच्छे से अच्छा फनल बना सकते हो और प्लस यहाँ से आप और भी टेक्निक्स उठा सकते हो और प्लस अगर आपने कहीं पर भी लैंडिंग पेजेस या कुछ देखा होगा इस प्रकार का तो उनको भी आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हो। देखो गाइज आप इसको 2-3 पेजेस का बना सकते हो, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको फ्रंट का बताया है, ठीक है। आप इसको और डीप में जा सकते हो, लाइक यहाँ देखो लीड मैग्नेट पे क्लिक करोगे तो एक दूसरा पेज भी है, या तो आप इसमें पेज भी ऐड कर सकते हो। पेज ऐड कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो भी आपके काम आएगा। लाइक आपने यहाँ पर पूरा एक ऑफर शो कर दिया अपने फ्रंट पेज पे, ठीक है। और सेकंड पेज पे आप चाहते हो कि आप एक ईमेल ऑप्टिन लगाओ, ठीक है। ईमेल ऑप्टिन लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक और पेज यहाँ लगाना पड़ेगा। लाइक यहाँ पर सिर्फ एक ही पेज है तो फनल बनाने के लिए एक और पेज लगाना पड़ेगा आपको। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पे क्लिक करना पड़ेगा, देन उसके बाद एड लेआउट पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे एड लेआउट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारा फनल एड करने का आ जाएगा, ठीक है। सो अगर आपको ऐड करना है ईमेल सब्सक्रिप्शन वाला पेज तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको जाना है यहां मेंबर एरिया, मेंबरशिप एरिया में, ओके। देन यहां पर आपको कुछ चीजें मिलेंगी, ये इसमें कुछ अच्छा नहीं नजर आ रहा है मुझे, तो मैं आपको दूसरा बोलूंगा लेने के लिए। लेट मी चेक दूसरा कुछ मिल रहा है, और ऑल पे चले, हम ऑल पे ही चलते हैं। देन देखते हैं और क्या है इसमें, फनल में गया, देन उसके बाद हीरो फनल है एक, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। नेक्स्ट पेज हम इसको ले लेते हैं, सो मैं नेक्स्ट पेज लिख देता हूँ, नेक्स्ट पेज, सो नेक्स्ट पेज एंड कंफर्म, ओके। बस यही करना है आप, देखो यहाँ पर एक पेज था, अब यहाँ पर दो पेज आपका आ जाएगा। देखो फर्स्ट लीड मैग्नेट फनल आपका जो फर्स्ट पेज है एंड देन सेकेंड नेक्स्ट पेज, ओके। सो अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और देखना है फर्स्ट, तो फर्स्ट पेज आपका है ये जो आपको ये एक ब्लूप्रिंट है दिखा रहा है कि कैसे कैसे चीजें काम करेंगी, और ये आपको है आपका फर्स्ट पेज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आपको मैंने अभी बनाना सिखाया, ओके। सो बंदा आपके इस पेज को देखेगा, बाय नाउ में अगर वो क्लिक करता है तो आप उसको रीडायरेक्ट कर सकते हो अपने सेकेंड पेज पे, अपने सेकेंड पेज पे, मतलब इस पेज पे दिखा देता हूँ कौन से पेज पे, इस पेज पे। अब वो यहाँ पर आएगा, वीडियो देखेगा और कॉल टू एक्शन पे क्लिक करेगा एंड वो आपकी चीज को बाय करेगा। और आप चाहो तो ईमेल सबमिट का भी पेज लगा सकते हो, लाइक दैट थर्ड पेज ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये देखो ये थर्ड पेज ऐड कर सकते हो कि जैसे ही वो खरीदने जाए यहाँ पर आप लिख सकते हो 20% ऑफ, तो जैसे ही उसको खरीदना होगा वो सबमिट पे क्लिक करेगा और ईमेल भी आप उसकी कलेक्ट कर लोगे, ठीक है। सो ये कुछ चीजें हैं जो आपको करनी है। और एक चीज मैं बता दूं जो बहुत ज्यादा आपके काम आएगी, जैसे कि पेजेस को लाइन बाय लाइन ऐड करना है तो उसके लिए आपको क्या क्लिक नाउ पे क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पर जो एक्शन बटन है, यहाँ देखो पेजेस का ऑप्शन है, तो अब अपने पास 2-3 पेजेस हैं तो एक्शन बटन में आपको पेज अपना सिलेक्ट करना है। लाइक आपको भेजना है बंदे को सेकेंड पेज पे, ठीक है।
या थैंक यू पेज पे भी भेज सकते हैं, लेकिन अभी मान लो आपको होम टू पे भेजना है तो होम टू पेज पे क्लिक करो और ओके कर दो। अब जैसे ही बंदा क्लिक करेगा तो वो आ जाएगा यहाँ पर होम टू के पेज पे लाइक दिस। तो गाइज आई होप कि आपको समझ में आ गया कि क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। मैंने इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दी है, अगर और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो बाद में। और ऐसे करके आप कोई सा भी फनल बना सकते हो। गाइज मैं चाहता हूं कि आप अपने अपने पैरों पे, अपने माइंड पे स्टैंड करो और अपना अच्छे से अच्छा चीज क्रिएट करो, बिकॉज मैं भी यही करता हूँ तो आपको भी यही सजेशन दूंगा, क्योंकि जो आप बिलीव करोगे वो आगे बढ़ेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब ऐसे ही करके अपना अपना जल्दी जल्दी फनल बनाओ अगर आपको फनल में इंटरेस्ट है, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो। और भी चीजों पर एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आप यहाँ से फनल एंड लैंडिंग पेज बना सकते हो। एक अच्छा आइडिया दे दिया मैंने आपको, ऐसे ऐसे करके आप बना सकते हो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कर लेना फेसबुक पे, और मिलते हैं फेसबुक पे। जय हिंद, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।